करता हूं आप सभी को अपने चैनल सेल्फ स्टडी विद जेपी सर पे। आप कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके बताइए। कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है आप वो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर ही वीडियो बना दूंगा। आज ये जो हमारा 5.3 है आज ये समाप्त हो जाएगा इस वीडियो में, और मैंने 5.3 का एकक सम्स को सॉल्व किया। एकक सम्स यानी जो भी आपके बुक में सम्स है, छोटे बड़े मोटे नाटे जैसे भी सम्स था, मैंने सारा सॉल्व कर दिया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आ गए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। मैं उसका प्लेलिस्ट का नाम लिखा हूं क्लास 10 चैप्टर 5.3। इसी तरह 5.1 का भी पूरा सवाल सोल्व किया गया है, 5.2 का भी पूरा सवाल सोल्व किया गया है। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, बेलन गोलक शंकु, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है, ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप यदि वे सब वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जरूर दे दूंगा, आप वहां से देखिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा आज, इसके बाद मैं कौन सा चैप्टर कराऊंगा, आपको किस चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। आपको पता है कि मैं प्रत्येक वीडियो शुरू करने से पहले एक पहेली पूछता हूं, और जो मेरे पिछली वीडियो की पहेली थी और उसका जो सही जवाब था, और जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया उसके बाद सेकंड और थर्ड में उनका नाम बताऊंगा। सही जवाब था आपका पेंसिल, और सबसे पहले जवाब आया था सनी कुमार का, और दो नंबर पे जवाब रहा दीपाली का, और तीन नंबर पे प्रीति का। प्रीति कंटिन्यू टॉप 3 में बनी हुई है लेकिन फर्स्ट नहीं आती है। मैं प्रीति से बोलना चाहूंगा कि वो फर्स्ट आने का कोशिश करे, हमेशा सेकंड थर्ड आती है, फर्स्ट आने का भी ट्राई करना होगा। तो आज की पहेली को आप ध्यान से सुनिएगा कि आज की पहेली क्या है और उसका सही जवाब क्या हो सकता है, और जल्द से जल्द कमेंट करके बताइएगा कि इस पहेली का सही जवाब क्या है, ताकि मैं अगले वीडियो में आपका नाम अनाउंस कर सकूं। तो आज की पहेली रही हमारी, जब हम उसे खरीदते हैं तो वो काला होता है, और जब उसे हम जलाते हैं तो लाल हो जाता है, और जब उसे हम फेंकते हैं तो वो सफेद हो जाता है। आपको कमेंट करके बताना है वो कौन सा चीज है, जब आप उसे खरीदते हैं तो काला रहता है, जलाते हैं तो लाल हो जाता है, और जब फेंक देते हैं तो वो सफेद हो जाता है, कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है 13 का, जो मैं सवाल सोल्व कर रहा हूं आप लोगों के लिए, 13 का दो नंबर क्या लिखा हुआ है, 3x-5y। 3x देखिए ध्यान से, 3x-5y बटा 3x+5y बराबर 1/2 होने से इसका मान आपको निकालना है। 3x² - 5y² बटा 3x² + 5y² का मान निकालना है, ठीक है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप ये जो दोनों का है क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो ये दोनों क्रॉस गुणा होके क्या हो जाएगा, ओ आर किया इसको गुणा किया तो 6x 2/3, और फिर ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस गुणा होके क्या हो गया माइनस, और 5 और 2 गुणा होके क्या हो गया 10y बराबर 1 से इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x, और ये प्लस प्लस गुणा होके प्लस हो गया, और 5 over y 5y 1 से गुणा होके क्या हो गया 5y। अब x पे एक तरफ कर दीजिए, y पे एक तरफ कर दीजिए, तो ये आपका 3x, और ये जब इधर आया तो क्या हो जाएगा -3x, सॉरी ये 6x, और जब ये इधर आएगा तो 3x हो गया बराबर 5y, और ये जब इधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 10y हो गया, ओके। आप जानते हैं कि साइड बदलने से संख्याओं का चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए इसको आप प्लस माइनस कीजिए, तो ये 6 में से 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 6 में से 3 गया आपका बचा 3x बचा, फिर ये बराबर क्या हो गया, ये जब दोनों आपस में जुट गया, दोनों आपस में प्लस प्लस है तो जुट के क्या हो गया 15y हो गया, ओके। अब यहां पर आपको x और y का मान निकालना है सबसे पहले, क्योंकि x y का मान जब तक आप निकालिएगा नहीं
तब तक आप यहाँ को मान पुटअप नहीं कर सकते हैं। देखिए इसको कितने आसानी से आप निकाल सकते हैं, आप इसको पहले भी जानते हैं। आप ऐसे लिखिए इसको कि एक्स के साथ 3 का गुणा हुआ है और वाई के साथ 15 का गुणा हुआ है, तो इन दोनों को ऐसे आप लिख सकते हैं, मैंने एक्स लिखा और बराबर मैंने वाई लिखा, बटा दे दिया। इसका किसके साथ गुणा था, 3 के साथ, देखिए गुणा 3 लिख दिया, ये तो क्रॉस गुणा होता है, आप जानते हैं जैसे ये क्रॉस गुणा ऐसे हुआ ही था। देखिए कितने इजी से, और यहाँ पे 15 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 15 और ये, अब देखिए ये दोनों आपस में कट रहे हैं, काट दीजिए, ये 5 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, यानी फाइनली हम लिखेंगे एक्स बटा 5 बराबर वाई बाई 1। यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि इसको कैसे किया गया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत ही इजी ट्रिक है। ये जो एक्स लिखा हुआ है लिखा, बराबर का चिन्ह देकर वाई लिखा, जो वाई वाला है इधर लिख दिया, जो एक्स वाला है इस तरह इधर लिख दिया, और उसके बाद कटेगा तो काटेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स बाई 15 बराबर वाई बाई 1 आ गया, अब बराबर 1 माना मैंने लिख दिया। ओके अब देखिए इसको अब हम लिख सकते हैं आसानी से इधर, इसलिए एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा 5 और वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये जो सवाल है यहाँ पे लिख रहा हूं, 3x² - 5y² बटा 3x² + 5y², देखिए यहाँ ये तो और आसान हो गया, यहाँ पर x का मान आपको 5 मिला हुआ है, आपने 3 लिखा और x को आपने क्या कर दिया 5² कर दिया, फिर -5 लिखा, y का मान आपका क्या मिला है 1, तो 1 लिखकर आपने 1² कर दिया बटा 3, और इसी तरह ये 5x क्या हो गया स्क्वायर प्लस 5y, ये क्या हो गया स्क्वायर। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, इसको एक बार और मैं इजी करने के लिए इसको ऐसे लिख दूंगा, देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। 3 ये 5 के ऊपर स्क्वायर है, तो दो बार मैंने 5 का क्या कर दिया गुणा कर दिया, फिर मैंने माइनस दे दिया 5 लिख दिया, 1 के ऊपर स्क्वायर है तो 1 को मैंने दो बार लिख दिया, और इसको बेसिक में ले जाके आपको बनाता हूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए और एग्जाम में आ जाए तो आसानी से सोल्व हो जाइए। फिर मैंने 3 लिखा गुणे 5 गुणे 5 माइनस ये 5 सॉरी प्लस होगा प्लस 5 गुणे 1 गुणे क्या हो गया 1, और आप भूल कर दिए इसको काटिएगा नहीं वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये दोनों कटेगा नहीं, ठीक है, जगह शॉर्टेज हो रहा है तो हम आगे सोल्व करेंगे। तो इसको देखिए ये दोनों ये सब गुणा कीजिए, 15 और 15 5 75, तो क्या हो जाएगा 75, और ये क्या हो जाएगा 5 में 1 से गुणा 5 और फिर 1 से गुणा 5, यानी माइनस क्या हो गया 5 बटा, ये सब गुणा कीजिए ये भी 75 ही आएगा, 75 और प्लस क्या हो गया आपका 5 हो गया। तो देखिए 75 में से 5 गया 70 बचा, और 75 और 5 जुट कर क्या हो गया 80 हो गया, 1 0 से 1 0 कटा और आपका फाइनली आंसर क्या आ गया 7/8, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ओके तो आप ये समझोगे देखिए कि कितने आसानी से इसको सुलभ हो गया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट गेम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसानी तरीके से बनेगा, आप बस क्या कीजिए कि ध्यान से वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए अनुपात बी बराबर 3:4 एवं एक्स अनुपात वाई बराबर 5:7 होने से 3ax - by अनुपात 4by - 7ax, ये 7ax लिखा हुआ है थोड़ा देख लीजिएगा का मान ऐसे बनाएंगे बहुत आसानी तरीका से, बस सत्य आप देखते रहिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। ये क्या हो गया, मैंने लिखा ए बाई बी, इसका मतलब यही होगा अनुपात का मतलब ए बटा बी बराबर 3/4 हो गया। ओके अब इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ओ आर करके कि देखिए ए का गुणा जो हो रहा है 4 के साथ, बी का गुणा हो रहा है 3 के साथ, तो इसको पहले ए लिख दिया बटा दे दिया बराबर दे दिया, बी लिख दिया बटा दे दिया, ए का गुणा किसके साथ था 4 के साथ, मैंने 4 लिख दिया, बी का गुणा किसके साथ था 3 के साथ, मैंने 3 लिख दिया, और यहां पे लिख दिया 1 माना, ठीक है यहां पे के भी मान सकते हैं लेकिन मैं 1 मानूंगा। फिर ओ आर मैंने किया आपका ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर आ गया आपका ये 3 और 1, आप जानते हैं कि ये गुणा होता है क्रॉस, 3 आ गया, फिर आपका बी का मान क्या आ गया 4 आ गया, ये क्रॉस गुणा होकर सेम टू सेम यही प्रोसेस यहां पर भी अप्लाई कीजिए, एक्स बाई वाई लिखा मैंने बराबर
5/7। अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, x लिखा बटा दिया, बराबर का चिन्ह दिया, y लिखा बटा दिया। अब x किसके साथ गुणा हो रहा था, 7 के साथ, यहाँ पे 7 लिख दिया। y किसके साथ गुणा हो रहा था, 5 के साथ 5 लिख दिया। समझ रहे होंगे आप जरूर। अब देखिए ओवर किया मैंने x बार, यहां पर भी मैंने लिख दिया 1 माना, यहां पर भी 1 मान लिया मैंने, ठीक है माना। अब देखिए यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा, 1 और 5 गुणा होकर 5 हो गया, और y बराबर आपका क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब उसका मान बैठा दीजिए इसमें और आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। 3ax-by अनुपात क्या है, अनुपात 4by और -7ax। ओके, अब बस आपको मान बैठा देना है। चलिए मान बैठाइए आप। मैंने 3 लिखा और देखिए 3ax, ये तीनों में कैसा संबंध है, आपस में ये गुणा हुआ है, क्या हुआ है, गुणा हुआ है, तो मैंने गुणा का चिन्ह दे दिया। a का मान कितना आया था, देखिए a का मान खोजिए, a का मान 3 था, मैंने 3 लिख दिया, फिर गुणा का चिन्ह दिया, और उसके बाद x है, x का मान क्या आया है, 5 आया है, तो मैंने यहां पे 5 लिख दिया, फिर माइनस। अब यहां पे b का मान कितना आया है, देखिए खोजिए इसमें b का मान रहा 4, मैंने 4 लिख दिया, फिर गुणा। b और y में भी गुणा का संबंध है, आपको पता है, आप देख रहे हैं। y का मान क्या है, 7, मैंने 7 लिख दिया, ये एक पोस्ट में कर दिया। अनुपात का मतलब बटा होता है, या चलिए यहाँ पे एक अनुपात देकर हम लिख पाएंगे नहीं, ज्यादा सटेज हो जाएगा, बटा कर दिया। इसका मान मैं नीचे पुट अप कर दूंगा, अनुपात का मतलब बटा, इसका मान नीचे पुट अप करूंगा। 4 लिख दिया मैंने पहले, उसके बाद b लिखा हुआ है, b का मान अभी मैंने बताया था कि 7 होता है, 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर y है, y का मान, सॉरी b का मान कहाँ होता है, गलत हुआ है, b का मान 4 होता है, b का मान क्या होता है, 4 हो गया, और y का मान 7 होता है, तो ये आपका 7। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान को देख देख कर बैठाना। देखिए b का मान क्या था, इधर 4 था, लिख दिया, और y का मान क्या था, इधर 7 था, 7 लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह दिया, 7 सवाल में ही यहाँ पर ही लिखा हुआ है, गुणा। a का मान क्या होता है, a का मान दिया हुआ है 3, और x का मान क्या है, x का मान दिया हुआ है आपका 5 दिया हुआ है, x का मान क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। अब चलिए इसको आगे बनाते हैं, ये गुणा कीजिए, 3 का 9 और 9 बचे 45 हो गया, माइनस ये 27 हो गया, बटा 4 का 16, और 16 में 7 से गुणा कीजिए, 16 का पाना पड़िए, 16 का 16, 16 दिन 32, 48, 16 को 14, 85, 16 छक्का 96, 16 72 से यानी 112, 72 से यानी 112 माइनस, इसको गुणा कीजिए, 17 का 21, 21 और 21 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार, 21 21 21 दून 42, 21 दिया 63, 21 चौक 84, 21 पच्चीस 95, 21 पांचे 105 होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 105। अब कुछ नहीं करना है, घटाना है, अगर ये घटेगा यानी 15 में से 8 गया, क्या हुआ 7, और यहाँ पे 1 बचा, बटा इसको घटाइए, 12 में से 5 गया, 7 बचा, यानी आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, 17/7 अनुपात 7, यह आपका आंसर हो गया। ओके, आपके बुक में आई थिंक ये आंसर दिया हुआ है, आप इसे लिख दीजिएगा, बटा को तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं। तो आप देखिए कितने आसानी से आप इसे समझ पाए, जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा यहाँ पर a और b का मान, x और y का मान, बस उसके बाद मान पुटअप कर देना है और अच्छे से कैलकुलेशन करना है। थोड़ा पहाड़ा भी तो आना चाहिए, टेबल भी तो याद होना चाहिए, इसे नोट डाउन से ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए एक्स 12y 27 क्रमिक समानुपाती होने से एक्स में वाई का मान, धनात्मक मान ज्ञात करो, ठीक है, धनात्मक मान आपको ज्ञात करना है, प्लस में मान आना चाहिए, तो आप क्रमिक जानते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप इसके पहले भी इस तरह के सवाल बनाए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन से चैप्टर में। एक्स 12 बराबर 12 बटा क्या हो जाएगा, वाई बराबर वाई बटा क्या हो जाएगा, 27। ये क्रमिक समानुपाती को ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं इन दोनों को ले लूंगा, 12 ले लिया, वाई ले लिया, क्योंकि अगर इन दोनों को लेते हो तो मान निकालना संभव नहीं होगा, तो मैंने ले लिया। उसके बाद ये वाई हो गया और यहां पर क्या हो गया, 27 हो गया। ये दोनों गुणा होकर क्या हो जाएगा, बोलिए, वाई स्क्वायर बराबर 12 × 27। आप भूल कर भी गुणा नहीं कीजिएगा, वरना आपको काफी प्रॉब्लम होगा सोल्व करने में। अब इसको आप ऐसे लिखिए, आप जानते हैं कि जब ये स्क्वायर रहता है तो y बराबर 12 × 27
ये अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट हो गया। अंडर रूट का मतलब हुआ कि इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो चलिए आप 12 का पहले खंड कीजिए, 12 का खंड क्या होता है, 2 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा 2, यानी 2 3 6 6 दुना 12, फिर गुणे 27 का खंड आपका क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। आपको पता है कि वर्गमूल में होता क्या है कि जब दो संख्या आपस में मिल जाती है तो एक संख्या बाहर आ जाता है, जैसे इसमें 2 कितना है 1 2, यानी यहां पर जो है 1 2 बाहर आ गया और 3 कितना 1 2 3 4, 4 2 3 है, यानी यहां पे 2 2 3 बाहर आ गया। इनको गुणा कीजिए 3 2 6 और 36 क्या हो गया, ये 18 हो गया, यानी y का मान आपका कितना आ गया 18 आ गया। ओके, अब इसी तरह x का मान आपको कैसे निकाल लेना है, ध्यान दीजिए x में देखिए यहां पर x है तो मैं इन दोनों को रख लूंगा x बाई 12 बराबर 12 बाई 12। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और अच्छे नंबर ला सके। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, x बाई मैंने 12 लिखा बराबर ये आपका 12 हो गया और y का मान क्या हम लोग लाए 18, मैंने 18 लिख दिया, फिर ओआर एक्स और 18 गुणा होकर क्या हो गया 18x बराबर 12, 12 गुणा होकर क्या हो गया 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 144 नहीं 12 गुणे 12 आपको लिखना है, फिर वो है x बराबर क्या हो गया 12 गुणे 12 y क्या हो गया 18। ये देखिए ये कटेगा दोनों, 6 से काटिए 6 दूना 12 छतरी 18, फिर 3 से ये कट गया 12 4 दाग में, यानी आपका x बराबर क्या आ गया 8 आ गया। अब लिख दीजिए, इसलिए x बराबर आपका क्या आ गया है 8 और y बराबर आपका क्या आ गया है 18, यही आपका एंसर हो गया। फाइनली देखिए कितने आसानी से आपने बनाया, कितने आसानी से आप समझे होंगे। अगर वाकई वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता है एक तो। चलिए चलते हैं अगले से कि ये जो सवाल आप देख रहे हो सवाल नंबर 5 है, अंतिम सवाल है इस चैप्टर का कि ए अनुपात बी बराबर 3:2 एवं बी अनुपात सी बराबर 3:2 होने से ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान ज्ञात करो, इसको कैसे बनाएंगे। ओ आप ये ना लेना, ऐसे नहीं सोचना है, आपको इसको 3 नंबर जैसा या 2 नंबर जैसा बनाइएगा आंसर नहीं आएगा, इसको अलग तरीका से बनाना होगा। देखिए कैसे, आप लिखिएगा a बटा b बराबर 3:2 और ये क्या हो गया b बटा c बराबर 3:2। आप ऐसा सवाल बनाए होंगे, ऐसा मैं बताया था कौन से चैप्टर में, आपको कमेंट करके बताना है। मैं इसको गुणा कर दिया 3/3 से और इसको गुणा कर दिया 2/2 से जो b का मान था। अब ये गुणा हो गया 3 का 9 हो गया, ये गुणा होकर 6 हो गया बराबर उसी तरह 3/2, 3/2 गुणा होकर क्या हो गया 6 हो गया और 2/2 गुणा होकर क्या हो गया 4 हो गया। ओके, अब ये आया क्या a अनुपात b अनुपात c अगर लिखते हैं तो क्या आ गया 9 अनुपात, देखिए b का मान सेम आ गया 6 अनुपात ये क्या हो गया 4। ठीक है, अब ये तो किसी से कटेगा नहीं, इसको अगर फाइनली आप देखते हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बराबर 9 के लिख सकते हैं, b बराबर क्या हो जाएगा इसके नीचे 6 के हो गया और c बराबर आपका क्या हो गया 4 के आ गया। ओके, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि a का मान क्या, जो 9 था तो 9 के लिख दिया, b का मान 6 के लिख दिया और c का मान 4 के लिख दिया। यहाँ पे आप अब इसको क्या करते हैं, मान को पुटअप करते हैं, ये जो मान दिया गया है a प्लस बी अनुपात b प्लस क्या हो गया है c। ओके, चलिए मान को पुटअप कीजिए, a का मान आपका कितना आया है 9 के प्लस b का मान कितना आया है आपका 6 के, फिर अनुपात b का मान कितना आया है 6 के और प्लस c का मान आया आपका 4 के। अब चलिए इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो ये दोनों जुट कर क्या हो जाएगा 15 के हो गया, अनुपात ये क्या हो जाएगा 6/4 10 के हो गया। ओके, और ये दोनों के से के कट गया यानी बराबर, अब 5 से काटिए 15 5 गुना 10, देखिए ये आपका आंसर फाइनली यहाँ पर आ गया है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट करके कि इसके बाद मैं कौन सा वीडियो बनाऊंगा, किस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जो आपको काफी प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तब तक आप स्वस्थ रहिए,
खुश रहिए और अपने तैयारी को स्ट्रांग कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना नहीं भूलिएगा किस चैप्टर पे वीडियो बनाना है मुझे।